हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। ओके, और हाँ, देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर डेट शीट जारी कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और पैटर्न भी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका टाइम मतलब ज़्यादा नहीं लूँगी, डायरेक्ट सिलेबस पे आती हूँ कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है और आपकी जो क्लासेस हैं ना बच्चों, वो आपको कहाँ मिलेगा। मैं आपको कंसेप्ट के साथ एमसीक्यू बेस्ड क्या करवाऊँगी, प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानते हैं, ठीक है। सिलेबस में देखो, आपके दो यूनिट आने वाले हैं, दो यूनिट में भी आपके फोर फोर टॉपिक्स हैं, मतलब कि आपको मान के चलो एट चैप्टर पूरे कंप्लीट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट आप देख रहे हो कि मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैट्रिसेस में अगर आपका 12 क्लास का मैथ्स कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे देख रहे होगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिसेस है, रैंक निकालना है, रैंक तो नहीं मगर बीएससी फर्स्ट ईयर में तो आपने सीखा ही होगा। एंड देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, फिर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत आसान होता है, जैसे 2x2 का हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एकदम चुटकी 10 सेकेंड में हम लोग निकाल लेते हैं। फिर देखो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या कहते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स, और कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, इसकी हर्मिशन होता है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। एंड देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेक्टर वाला चैप्टर है, ठीक है। वेक्टर वाला अगर कंप्लीट है तो यहाँ पर आप लोग क्या है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद तो एमसीक्यूज है, तो क्या ही करना है, हमें पूरा सब्जेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ना है, हमको एमसीक्यू बेस्ड पढ़ना है। और मैं आपको ऐसे ही तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप लोग का जो तैयारी है ना, इतने कम टाइम में, जैसे कि आप जान रहे हो 15 अप्रैल से डेट शीट आ गया, आप मान के चलो कि आपका 20 अप्रैल से या 20 अप्रैल के बाद से एग्जाम होगा, मतलब बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का, तो क्या आप तैयार हो, कमेंट में जरूर बताना हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए। तो ये तो आपका सेकंड चैप्टर है, आप पढ़ सकते हो, और ये पीडीएफ आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपका ये थर्ड है, जैसे ऑर्डर निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी लेकिन आप जरूर पढ़ना, और मैं जब क्लासेस में एक एक चीज को डिफाइन करके पढ़ाने वाली हूँ, मतलब कि बेसिक से स्टार्ट करूंगी, थोड़ा सा फास्ट रहेगा क्योंकि टाइम कम है, आप लोग भी जानते हो, और मैं वही टॉपिक उठाऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड देखो बच्चों, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल एंड एग्जैक्ट फॉर्म निकाला, यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एंड देखो आपका, देखो यहाँ पर ये आपका 3D वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, 3D मतलब आपने 12 क्लास में भी पढ़ा है, 11 क्लास से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हम लोग उसमें क्या है पढ़ते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन 12 क्लास में हम लोग पढ़ जाते हैं पूरा क्या कहते हैं 3D वाला पार्ट, फिर उसी में वेक्टर भी हम लोग पढ़ते हैं। जस्ट उसके बाद देखो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, क्योंकि मैथ्स की ब्यूटी होती है कनेक्टिविटी, ब्यूटी ऑफ ए मैथमेटिक्स। तो देखो फिर प्लेन, फिर जनरल क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन वगैरह, ये सब भी हम लोगों ने, मतलब अगर 11 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो दो चैप्टर इधर है सेकेंड यूनिट में, और यहाँ पर फिर स्फीयर है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं इसका जब सेंटर गिवन रहता है तो इस इक्वेशन कैसे निकालते हैं, फिर यहाँ पर सिलेंडर, राइट सिलेंडर, ये सारे टॉपिक से आपके, ठीक है, यहाँ तक तो आपका मतलब कि 8 टॉपिक है पूरे मिला के, और 8 टॉपिक को मैं कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगी और उसके साथ एमसीक्यूज भी कराऊंगी, और एमसीक्यूज बेस्ड ही पढ़ाऊंगी, आपको लेंथी फॉर्म में नहीं पढ़ाऊंगी कि थ्योरी बेस्ड में, जैसे आप 12 क्लास में या मतलब अदर, जब हम देखो हमने भी बीएससी किया, हम लोग क्या करते थे, हम लोग पूरे मतलब थ्योरी वाइज करते थे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एकदम शॉर्ट तरीके से करना है, मतलब कि आपको शॉर्ट अप्रोच लगा के आपको एमसीक्यू बेस क्वेश्चन करना है। तो बच्चों यहाँ पर तो सारा आपका सिलेबस हो गया, आपको जैसे यहाँ पर तैयारी करना है, अभी इतने कम डेज में मतलब 20 दिन में कैसे तैयारी करें, 20 दिन में मतलब कि बहुत बच्चे तो सिलेबस भी पूरा नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर सारथी, जैसे सारथी का साथ हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप, आपने ये तो स्लोगन सुना ही होगा, तो सारथी का साथ चाहते हो तो सबसे पहले टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर ये डाउनलोड कर लिया, फिर वहां पर आपको दो कैटेगरी आता है, एंट्रेंस एग्जाम और सेमेस्टर। तो सेमेस्टर एग्जाम है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारा क्या कर सकते हो, पैट कोर्सेज में जाओगे, यहाँ पर सिलेबस पे क्लिक करोगे, सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, एंड आपको फिर वहां से सारथी बैच को ज्वाइन कर लेना। वहां पर बीएससी मैथमेटिक्स के लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ कि सभी लोग इससे जुड़ना और अपनी तैयारी को मतलब कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे, ठीक है। तो और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में बता देना, और हाँ
अगर मतलब कि जो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो एस जरूर कमेंट करेंगे और साथ ही के साथ अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।